मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पुष्पांजलि कॉलोनी वासियों ने आज एक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कॉलोनी मालिक द्वारा वृंदावन विकास प्राधिकरण और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में करीबन 2000 लोगों की आबादी है, जिसमें जब ये कॉलोनी बनी है इसमें लाइट पानी एवं सीवर की समस्या लगातार चलती आ रही है, जिसकी शिकायत नगर निगम MBDA और जिला प्रशासन की जा चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी लाइट कॉलोनी में भी काट दी है, लेकिन वह मथुरा वृंदावन के पास नहीं है। सभी कॉलोनी वासियों ने कहा, अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता है तो हम वह आदमी नगर निगम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। अंकल आप भी आपको यहाँ पकड़ लो ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र यादव है। आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, क्या कारण है और किस लिए बैठे हुए हैं? देखिए, हमारी ये पुष्पांजलि उपवन कॉलोनी है, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से स्वीकृत है, और हमारी कॉलोनी में सीवर, बिजली और पानी की बहुत समस्याएं हैं। तो सबसे प्रमुख समस्या इस समय पे बिजली की है। आज से 9 माह पहले MD DVBNL ने इस कॉलोनी में बिजली के सरकारी मीटर लगाने के लिए आदेश दिए थे, और विद्युत विभाग ने बिल्डर को बोला था कि इसका जो विद्युत ढांचा है उसका सुदृढ़ीकरण 1 माह के अंदर आपको करना होगा, लेकिन आज करीब 9-10 महीने हो गए बिल्डर के द्वारा बिजली के ढांचे का सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया है। लट्ठे गले हुए हैं या कुछ तार जो लगाए जा रहे हैं वो हरे और छायादार वृक्षों के ऊपर से लगाए जा रहे हैं, वृक्षों को काटा जा रहा है। तो इस समय गर्मी आने के बाद में जब कॉलोनी बिजली का लोड बढ़ रहा है तो कम वोल्टेज की समस्या रहती है, विद्युत उपकरण खराब होते रहते हैं कॉलोनी वासियों के। तो एक तो कारण ये बिजली का है, दूसरा कारण कॉलोनी में जो सीवर व्यवस्था है, निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की है बिल्डर ने। तो पार्कों में, सड़क पे, प्लॉटों में, घर के सामने, पूरी कॉलोनी में सीवर का पानी बहता रहता है, दुर्गंध आती रहती है और यहाँ पे बीमारियों का संक्रमण हमेशा बना रहता है। तीसरी समस्या पानी की सप्लाई की है। तो जलापूर्ति के लिए ये कॉलोनी बहुत बड़ी है, करीब 2000 की आबादी है इस कॉलोनी में, और पिछले 14 वर्षों से एक ही पानी की टंकी के द्वारा सप्लाई दी जा रही है, जो इस समय पर पर्याप्त नहीं है, और वो टंकी भी अभी जीड़ सीड़ अवस्था में है। एक दूसरी टंकी और सी ब्लॉक में बनाई है, वो उसको बने हुए 10-12 साल हो गए, लेकिन आज तक बिल्डर ने उसको चलाया नहीं है। वो भी बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, उसके आसपास मकान बने हुए हैं, वो कभी भी गिर सकती है। तो बिजली, पानी, सीवर की समस्याओं को लेकर एक कारण और है कि मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस कॉलोनी को 1 नवंबर 2021 से नगर निगम को हैंडओवर कर दिया है, और नगर निगम और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पे सर्वे किया है, और सर्वे करने के बाद में उस लेटर में ये लिखा है कि यहाँ पे सभी विकास कार्य पूर्ण हैं, अतः इस कॉलोनी को नगर निगम में हैंडओवर किया जाता है। जबकि यहाँ पे अगर धरातल पे देखा जाए तो एक भी विकास कार्य पूर्ण नहीं है, न कोई सड़क बनी है, न कोई जो है पानी की टंकी व्यवस्था है, बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। एक और समस्या है कि बिल्डर के द्वारा एक और कॉलोनी बनाई गई है, उसमें वो कॉलोनी MBDA से अप्रूव्ड नहीं है, उसमें एक अवैध तरीके से गेट खोल लिया है, तो यहाँ पे आवारा पशु आते रहते हैं, और ये बिल्कुल गेट बंद कॉलोनी जो स्वीकृत हुई थी वो बिल्कुल तरीके से नहीं है। कई बार इसकी शिकायत MBDA को कर चुके हैं, नगर निगम में कर चुके हैं, जिला प्रशासन को कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर के हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। सिटी केबिल थमाका, सिटी केबिल लाया है आपके शहर मथुरा में मनोरंजन का पिटारा। 2 महीने के मासिक शुल्क पर उपभोक्ता को HD बॉक्स फ्री, साथ में देखें अपने पसंदीदा चैनल सबसे कम शुल्क पर। सिटी केबिल के नए ब्रांड ब्रांड कनेक्शन हेतु संपर्क करें 7617616000, 9012855882।